गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू इन प्रिंस एजुकेशन हब सीकर, दिस योर साइंस स्पिरिट। टुडे वी हैव स्टार्ट इन चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आज डिस्कस करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल चेंज हमारे पास है क्या। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है, आपने मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी किसकी, मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा था, मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, जैसे उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, उसकी शेप चेंज हो रही थी, उसका साइज चेंज हो रहा था, या तो वो हार्ड हो रहा था या वो फ्लूडिटी शो कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और इस टाइप के जो चेंज होते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज़ ए फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास बेटा क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, दैट इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे मैटर था, तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, उसकी स्टेट, शेप, साइज, हार्डनेस, फ्लूडिटी, जो भी वो शो कर रहा था, ठीक है, वो हमारे पास किसके अंदर आएगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। और जब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होगा तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो सकता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या शो कर सकती है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, जैसे किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, शेप चेंज होगी, साइज चेंज हो गया, ठीक है, उसकी स्मेल चेंज होगी, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये सभी किसको शो करेंगी बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ही शो करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आ रहा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रह रही है, हमारी सेम रह रही है, दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस कोई भी नहीं बनेगा फिजिकल चेंज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, आइस है। ठीक है, तो हमारे पास आइस है, आइस को हीट किया तो किसके अंदर चेंज हो गया, वाटर के अंदर चेंज हो गया, फिर और ज़्यादा हीट किया तो वो किसके अंदर चेंज हो गया बेटा, वाटर वेपर के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आइस यहाँ पे किसकी फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में था, यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, यहाँ पे किसकी फॉर्म में बेटा, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो आइस को हीट किया, वाटर की फॉर्म में चेंज हो गया, और ज़्यादा हीट किया तो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया। अब क्या दोबारा वाटर वेपर से वाटर बना सकते हैं, यस, वाटर से दोबारा वाटर वेपर भी बन सकता है, फिर वाटर से दोबारा आइस भी बन सकती है, और इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज, जिसके अंदर दोबारा फिर वही रिएक्शन आ रही है, वही सेम प्रोसेस दोबारा आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, आइस से वाटर में चेंज हो गया, वाटर से वाटर वेपर में, फिर दोबारा इसको वाटर से आइस में चेंज कर सकते हैं। तो नया सब्सटेंस कोई भी नहीं बन रहा, सिर्फ उसकी क्या हो रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बन गया, फिर गैस बन गया, फिर दोबारा गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड बन गया। तो इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, और इस टाइप का जो चेंज हो रहा है वो परमानेंट चेंज नहीं होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और इस टाइप के चेंज को बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है, जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस हमारे पास नहीं बन रहा, वही सब्सटेंस उसको दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में भी आपने सुन रखा है। केमिकल चेंज क्या होता है, द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो रही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, और आल्सो फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज ए केमिकल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा था, किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, और नई प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं बेटा,
कि जिस वो चेंज जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही और परमानेंट एक नया सब्सटेंस हमारे पास बन रहा है, उस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी चीज़ को बर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके पीछे क्या बच जाती है? ऐश बच जाती है। तो दोबारा ऐश से उस सब्सटेंस को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज। जैसे एक वुड को मैं बर्न कर रहा हूँ, वुड को जला रहा हूँ, अब पीछे उसकी क्या बच गई बेटा? ऐश बच गई, ठीक है। क्या ऐश को दोबारा वुड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो वो क्या है कि परमानेंटली चेंज है, वो दोबारा उसी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जैसे कोई फ्रूट है, ठीक है, पहले फ्रूट क्या था? बिल्कुल क्या था? कच्चा था। फिर उसकी रिफाइनिंग होगी, वो क्या हो गया? पक गया। क्या दोबारा पके हुए फ्रूट को हम कच्चे फ्रूट के अंदर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या उसको दोबारा फिर फ्लावर के अंदर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज है जो परमानेंटली एक चेंज के अंदर क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। उसको दोबारा उसी पोजिशन में वापस नहीं लेके आ सकते। दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज, ठीक है। तो हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस हैं उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस हैं उसके टाइप हम किसके बेस पे लेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बेस पे लेंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है बेटा? एलिमेंट, और एक होता है हमारे पास कंपाउंड। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है टू फॉर्म है, एक है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट की जो डिस्कवरी है सबसे पहले एलिमेंट की जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी बेटा? रॉबर्ट बॉयल ने दी थी 1661 के अंदर, ठीक है, याद रख लेना आपने। डिस्कवरी जो थी हमारे पास सबसे पहली जो एलिमेंट नाम की टर्म है वो किसने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने 1661 के अंदर। और इसको एक्सपेरिमेंटली जो डेफिनेशन दी थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, वो किसने किया था बेटा? एंटोन लॉरेंट लविशियर ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट है हमारे पास एंटोन लॉरेंट लविशियर, ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली बताया था एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो कब बताई थी हमारे पास, ठीक है, इनका जो बर्थ दे रखा है और डेथ दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट को प्रूव किया था किसने बेटा? एंटोन लॉरेंट लविशियर ने, ठीक है। अब इसके बाद जो एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? इस टाइप के साइंटिस्ट ने दी थी बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। वो डेफिनेशन हमारे पास है क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट की। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। वो क्या कहता है बेटा कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट क्या है? एक बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ साइंटिस्ट डेफिनेशन, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एक बेसिक फॉर्म है मैटर की जो कि कभी भी ब्रोकन नहीं किया जा सकता उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। मान लो कि हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, ठीक है, उसको कभी भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास? उसको कॉम्प्लेक्स से कभी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं बेटा एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट वो क्या है? एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर की जो कि हमारे पास सिंपलर सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं की जा सकती बाय द केमिकल रिएक्शन, दिस इज नोन एज ए एलिमेंट। हमने पहले डिस्कस कर लिया है बेटा एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट की डेफिनेशन हमने जान ली है, डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट है वो बेटा डिवाइड होता है थ्री टाइप्स के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ठीक है। तो जनरली जो हमारे पास एलिमेंट है वो थ्री डेफिनेशन के अंदर डिवाइड हो रहा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपने छोटी क्लासों के अंदर लाइक क्लास 8th के अंदर पढ़ रखा है, एक चैप्टर था हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ रखे हैं, ये जो बता रहा हूँ उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो मेटल्स हमारे पास क्या है, आपको पता है मेटल की जो होती है डेफिनेट शेप होती है, हार्ड भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और लगभग ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, किनकी, मेटल्स की। ठीक है, फिर हम इसके एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, दे हैव लस्टर और शाइनी। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं हमारे पास वो बेटा क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। आपने जितने भी मेटल देखे होंगे वो लगभग क्या होते हैं बेटा, शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, दे हैव सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर। जो मेटल का कलर होता है जनरली क्या होता है बेटा, सिल्वरी ग्रे कलर होते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास ग्रे कलर का होता है प्लस गोल्डन येलो कलर होता है, किनका, मेटल्स का। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो मेटल हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है, दे आर डक्टाइल। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, जब हम किसी मेटल को किसी वायर के अंदर चेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं बेटा डक्टाइल प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम, आपने सुना होगा एल्युमिनियम की वायर या कॉपर की वायर, सुना है ना आपने। तो डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मेटल को किसके अंदर चेंज करते हैं, हम वायर्स के अंदर चेंज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, डक्टाइल। नेक्स्ट है, दे आर मेलेबल। मेलेबल क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास कोई भी आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है या कोई भी हमारे पास है, उसको थिन शीट के अंदर, उसके ऊपर हैमर मार मार के उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, मेलेबल। ठीक है, तो मेलेबल के अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे पास मेटल है उसको हीट कर करके, उसके ऊपर बार बार हीटिंग करके उसको एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ए मेलेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके अंदर एग्जांपल क्या हो सकते हैं मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटाशियम और मरकरी। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास किसके बेटा, मेटल्स के। ठीक है, अब इसमें से एक एक्सेप्शन केस है हमारे पास मरकरी। सभी हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, किसके अंदर, मेटल के अंदर। लेकिन मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ऐसा हमारे पास मेटल है जिसका नाम क्या है, मरकरी, वो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल हमारे पास क्या है इसके बारे में आप देखो, नॉन मेटल क्या होते हैं, ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, जैसे मेटल क्या थे, हार्ड थे। ठीक है, अब नॉन मेटल क्या होंगे हमारे पास बेटा, सॉफ्ट होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल में क्या होगा, दे डिस्प्ले वराइटीज ऑफ कलर। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल क्या था हमारे पास, सिर्फ सिल्वरी और ग्रे कलर का था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल होंगे बेटा वो बहुत सारी वराइटीज़ के अंदर होते हैं, मतलब उनके कलर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास क्या होता है, जो नॉन मेटल होता है वो बेटा पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, दे आर नॉट लस्टर्स, सोनरस एंड मेलेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये कभी लस्टरस नहीं होते, शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल क्या होते हैं, कभी भी शाइनी नहीं होते। ठीक है, सेकंड क्या है, सोनरस क्या होता है, सोनरिटी। जब इनको किसी सब्सटेंस के साथ हिट करते हैं तो इनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं तो इनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो इनके अंदर कोई भी सोनोरिटी नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्या है, मेलेबल। मेलेबल क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सब्सटेंस को हिट करेंगे वो शीट के रूप में चेंज हो रहा है, वो है मेलेबल, तो इनकी कोई भी मेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये ना तो लस्टर होते हैं, ना सोनरस होते हैं, ना ही मलेबल होते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल क्या आएंगे नॉन मेटल के बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये हमारे पास एग्जांपल हैं किनके, नॉन मेटल्स के। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या आ गया, हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया है, अब थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, मेटालॉइड्स। हमारे पास मेटालॉइड्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटालॉइड्स क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करे। ठीक है, दैट इज नोन एज ए मेटालॉइड्स। ठीक है,
जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, दैट इज नोन एज ए मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसके बेटा? मेटलॉइड्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना बेटा, टाइप्स पढ़ लिए हैं किसके? एलिमेंट्स के। मेटल के बारे में पढ़ लिया है, नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया है, और लास्ट में मेटलॉइड्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास कंपाउंड्स है क्या। ओके, तो कंपाउंड्स क्या होता है हमारे पास? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस इन विच कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमने कंपोज कर रखे हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, केमिकली कंबाइन विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, दिस इज नोन एज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मिक्स हैं। हमारे पास क्या मिक्स हैं बेटा? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स हैं और केमिकली कंबाइन हैं एक दूसरे के साथ इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, दैट इज नोन एज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? मिक्सचर है टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स का, उसको बोलते हैं कंपाउंड। और उनकी जो हमारे पास क्या होती है, केमिकली कंपाउंड होते हैं, फिजिकली कंबाइन नहीं होते। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना कि वो जो कंपाउंड होता है बेटा, उसके जो दो एलिमेंट हैं वो आपस में केमिकली क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, इसलिए उनको वो क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो कंपाउंड है उसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास कंपाउंड क्या होता है और अदर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो कंपाउंड क्या है इसके बारे में एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है, हमने चाइना डिश ले रखी है, ये चाइना डिश है, हमने दो चाइना डिश ले रखी है, एक यहाँ पे ले ली, एक यहाँ पे ले ली, ठीक है। हमने क्लास के अंदर, हमारी एक क्लास है, क्लास को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक ग्रुप मान लिया ए और दूसरा ग्रुप मान लिया बी। क्लास ए ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनको चाइना डिश दे रखी है, और क्लास बी के जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको भी क्या दे रखी है बेटा? चाइना डिश हमने दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ग्रुप्स के अंदर तो डिवाइड कर दिया, अब दोनों को हमने मटेरियल सेम देने हैं। इनको भी हमने क्या दिया है? सल्फर पाउडर दिया है और प्लस आयरन फिलिंग्स दी हैं कुछ, और इनको भी क्या दिया हमने? सेम अमाउंट में वही मिक्सचर दिया है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जो सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स हैं उनको आपस में मिक्स और क्रश करना है इसके अंदर, चाइना डिश के अंदर मिक्स और क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर भी सेम करना है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को आपस में मिक्स और क्रश करके इस चाइना डिश के अंदर डाल देना है, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर तो हमने क्या करना है, सिर्फ मिक्स और क्रश करना है और कुछ नहीं करना, ओके। लेकिन जो ग्रुप बी है उन्होंने क्या करना है बेटा, आयरन फिलिंग्स प्लस सल्फर पाउडर को पहले तो मिक्स और क्रश किया था, बाद में इस जो कंटेनर है इसको हीट करना है, ठीक है। तो हमने चाइना डिश को क्या कर दिया, हीट कर दिया, इस मिक्सचर को हीटिंग देनी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे चाइना डिश को हीट करना है और ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, जब ये हीटअप हो जाएगा उसको बाद इस मिक्सचर को हमने ठंडा करना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, इन दोनों मिक्सचर में हमारे पास डिफरेंस क्या है, इसको सिर्फ मिक्स किया है आपस में आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स भी किया है और साथ में हीट भी दिया है और बाद में इसको ठंडा भी किया है। अब हमने क्या देखना है, इन दोनों मिक्सचर के कंपैरिजन को देखना है कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या क्या आता है। देखो कंपेयर दी, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेयर दी टेक्स्चर एंड कलर ऑफ दी मटीरियल। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसका कैसा टेक्सचर बना है, इसका कैसा स्ट्रक्चर बना है और इसका कैसा स्ट्रक्चर बना है। देखो यहाँ पे सिर्फ मिक्स किया है तो इसका जो स्ट्रक्चर है इससे क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कलर का अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मिक्स किया था तो कोई कलर के अंदर चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो इसके कलर में क्या आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा। तो इसका मीनिंग, हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, दोनों के कलर में भी क्या आ रहा है बेटा, चेंजिंग आ रही है, ठीक है, ए और बी ग्रुप के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या कंपैरिजन करेंगे, सेकंड के अंदर क्या करना है हमने, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप ए के अंदर हमने क्या डालना है, कार्बन डाइसल्फाइड डालनी है, और ग्रुप बी के अंदर क्या डालना है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप बी के अंदर डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए के अंदर जब हम क्या डालेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे ग्रुप ए के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी, ठीक है। तो जब ग्रुप ए के अंदर हमने क्या डाला बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, तो हमारे पास क्या निकल रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो एक कलरलेस क्या होती है, गैस होती है, ऑडरलेस होती है और कंबस्टिबल गैस होती है, ये निकल रही है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ग्रुप ए की एक्टिविटी के अंदर। और ग्रुप बी की एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या डाल रहे हैं बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारे पास क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, और ये क्या होती है बेटा, कलरफुल क्या होती है, गैस होती है, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर अलग अलग गैस क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसके अंदर क्या निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रही है, गैस भी फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने कंपैरिजन तो कर लिया इसके अंदर, अब बात करते हैं कि हमारे पास हमने क्या दिखा था इसके अंदर, कि ये जो ग्रुप ए था उसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ मिक्स किया था आयरन फिलिंग को और सल्फर पाउडर को, सिर्फ मिक्स किया था, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, मिक्सचर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ए वाले को क्या बोलेंगे, सिर्फ मिक्सचर है हमारे पास ये। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को आपस में मिक्स भी कर रहे हैं, बाद में इसको हीटअप भी किया और बाद में इसको ठंडा भी किया है, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, कंपाउंड। ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है बेटा, ये एक्टिविटी क्या हमारे पास शो कर रही, मिक्सचर को शो कर रही है, लेकिन ये एक्टिविटी हमारे पास किसको शो कर रही है, कंपाउंड को। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, कि हमारे पास जब दो एलिमेंट्स को, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया, तो वो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे केमिकली कंपाउंड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक नया सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, केमिकली आपस में कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड्स। तो ये एक्टिविटी किसको शो कर रही है बेटा, कंपाउंड्स को शो कर रही है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या जाना, ये कौन सा प्रोसेस हो सकता है बेटा, ये बताओ, ये फिजिकल चेंज हो सकता है और ये क्या होगा हमारे पास, केमिकली चेंज, क्योंकि इसको हीट कर रहे हैं और इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज बन रही है, ठीक है। तो केमिकली ये कंबाइन हो रहा है, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, और ये क्या होगा बेटा, फिजिकली चेंज। तो दोबारा देख लो, हमने एक्टिविटी के थ्रू क्या समझा, कंपाउंड्स के बारे में। एक्टिविटी क्या थी, हमने क्लास के अंदर स्टूडेंट को ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, ग्रुप ए ग्रुप बी, एक ग्रुप को चाइना डिश दी है, दूसरी ग्रुप को भी हमने चाइना डिश दी है। अब कुछ मटेरियल दिए हैं, कुछ एलिमेंट दिए हैं, आयरन फिलिंग्स प्लस सल्फर पाउडर, इनको भी सेम दिया है। इन्होंने क्या करना है, ग्रुप ए वालों ने सिर्फ इसको मिक्स करना है और चाइना डिश के अंदर डालना है। इन्होंने क्या किया बेटा, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स किया, क्रश किया, चाइना डिश के अंदर डाला, बाद में इसको हीट करना है और बाद में कूल डाउन करना है। फिर क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था, इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इनका टेक्सचर क्या होगा, अलग अलग होगा, इनके कलर के अंदर क्या आएगा, चेंजिंग आएगी। फिर जब इसके अंदर हम इस ग्रुप ए के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। तो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गैस क्या हो रही है, फाउंड हो रही है। तो हम कह सकते हैं बेटा, ये फिजिकल चेंज है, ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर और कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से, हमारे पास मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर क्या है, एलिमेंट जस्ट फिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो मोर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एलिमेंट क्या होते हैं, सिर्फ मिक्स होते हैं बेटा आपस में, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म्ड नहीं होता, वो होता है हमारे पास सिर्फ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर के अंदर ओनली क्या हो रहा है हमारे पास, एलिमेंट, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, बाय फिजिकली मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं बाय केमिकली कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर की हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो उसको उसी कंपोजिशन में वापस लेके आया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, दी कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स।
यहाँ पे हमारे पास जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी हमेशा ही जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी बेटा, फिक्स होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। देखो यहाँ पे क्या है, जो भी दो एलिमेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं उनको बाद में अलग अलग किया जा सकता है बाय फिजिकली मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट है कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट है बेटा ओनली केमिकल रिएक्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड कर सकते हैं, वो भी मुश्किल से। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होगा, बहुत ही कम हमारे पास क्या होगे, कॉन्स्टिट्यूट सेपरेटेड होंगे, लेकिन अगर होंगे भी तो बाय केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर इजीली से हम क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूट को हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। ये हमारे पास था बेटा मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है पूरा का पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।